अस्सलाम वालेकुम। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 75 रुपये वाला नया नोट लॉन्च हुआ है 1 जुलाई 2023 को। अभी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इससे पहले जो 75 रुपये वाला नोट आया था वो चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि वो पहले ही लोग उस नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो कि ये वाला है। ठीक है, सो इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। एक्चुअली जो 75 रुपये वाला ये वाला नोट आया था, ये आया था 14 अगस्त 2022 को, जब पाकिस्तान के 75 साल पाकिस्तान बनने के पूरे हुए थे। ठीक है, ये नोट स्टेट बैंक ने इशू किया है अपनी बर्थडे पे, यानी कि स्टेट बैंक बना था 1 जुलाई 1948 को। तो 1 जुलाई 2023 को जो है वो स्टेट बैंक के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, जिस पे उन्होंने ये 75 का नया नोट लॉन्च किया है। स्टेट बैंक की तरफ से इशू किया हुआ कोई भी नोट जो होता है वो किसी भी जगह एक्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा अब नॉर्मल जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में 100 रुपीज़ का कॉइन, 75 रुपीज़ का कॉइन भी है, जो मुख्तलिफ लोगों की तारीखी लोग होते हैं उनकी बरसी पे इशू करता है स्टेट बैंक। मुझे मौका मिला तो मैं आपको 75 रुपीज़ वाला जो कॉइन है उसकी भी वीडियो बना के भेजूँगा। लेकिन अभी जो नया नोट 75 वाला अभी जो लॉन्च हुआ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नोट बनाया है, ख़ास तौर बैक साइड से ये बहुत ज़्यादा प्यारा है ये नोट। बाकी पहले वाला भी ठीक है, लेकिन जो अभी बना है वो बहुत प्यारा नोट है। तो ये इसकी कुछ डिटेल थी। दोनों नोट चल रहे हैं, पुराना भी चल रहा है, नया भी चलेगा। स्टेट बैंक जो भी चीज़ इशू करता है वो चलने के लिए इशू करते हैं, वैसे नहीं इशू करते।